आप जानते हैं सबसे बड़ा फेलियर कौन है, सबसे बड़ा फेल व्यक्ति इस दुनिया में कौन है, जिसके पास अपना फेलियर बताने का कारण हो कि उस व्यक्ति की वजह से मैं फेल हो गया, ये भाइयों की वजह से मैं फेल हो गया, ये इसकी वजह से ये दो लोगों ने मुझे निकलवा दिया, ये चार लोगों ने मुझे फेल करवा दिया। नो 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 नो, अगर आपके पास आपके फेलियर का कारण है तो आप सबसे बड़े फेलियर हैं, क्योंकि जो सचमुच का फेल है वो दूसरों पे इल्जाम लगाएगा इसके कारण मैं फेल हूं। दाऊद ने एक भी बार उनको बोला नहीं कि तुम वही लोग हो जो मेरे द्वारा आशीषित हुए हो, आज तुम मुझे मारने की चर्चा कर रहे हो। दाऊद गलत लड़ाई में पड़ना नहीं चाहता था। आपको मालूम है आपका हस्बैंड दारू पीता है और आप रोज उससे लड़ रहे हो, क्यों पीते हो दारू, क्यों पीते हो दारू, वो बोला पीनी है तेरी ऐसी की तैसी, ले थप्पड़, ये ले लात घूसा, चल भी तलाक तक नबत, क्यों, क्योंकि आप नहीं जानते लाइफ क्या है स्पिरिचुअल। आपको मालूम है आपने एक बार समझाया, दो बार समझाया, तीन बार समझाया, आपको मालूम है कि ये चीज जो है ये शारीरिक नहीं, आमीन, मानसिक नहीं, क्या है, आत्मिक है। इसके पीछे एक दुष्ट आत्मा है जो इसको दारू पीने के लिए भरमाती। तो कितने घंटे प्रेयर की आपने, हां, लेकिन लड़ाई की, दाऊद ने लड़ाई नहीं की, उसने परमेश्वर के सामने जाना उचित समझा, हाँ या ना, किसके सामने गया वो, परमेश्वर के सामने, दुहाई दी, प्रभु से मांगा और परमेश्वर ने छुड़ाया, क्योंकि जिंदगी क्या है, आत्मिक है। उसने कंप्लेंट नहीं की लोगों की, छूटने के बाद, जीतने के बाद भी लोगों को ताना नहीं मारा। जो आत्मिक व्यक्ति अपनी लाइफ को और तरीके से देखते हैं, जैसे आम लोग नहीं देख पाते, आमीन। आपके सामने वही आता है जो आप बोते हैं, इसलिए याकूब के सामने धोखा आया क्योंकि वो धोखा बो के गया था। जिंदगी क्या है, बोलो अपने पड़ोसी को, आत्मिक है। जब आप इस सेंस को समझ जाते हैं कि जिंदगी आत्मिक है, आप उसी तरह से चलना शुरू करते हैं, आप प्रेयर बढ़ाते हैं, फास्टिंग बढ़ाते हैं, आप रीजन समझते हैं कि इस प्रॉब्लम का रीजन क्या है, तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा, आप बचते हैं, आपका घराना बचाया जाता है, आप चुंबक की तरह हैं, जितनी प्रेयर उतनी पावर, और उतने पावरफुल होंगे आप और खींचेंगे ब्लेसिंग्स को, अपने परिवार के उद्धार को, आप खींचेंगे परमेश्वर की हर उस ब्लेसिंग को जो आपके लिए बनाई गई, जैसे आप पावरफुल चुंबक बनेंगे, मैग्नेट बनेंगे आप, आमीन। और शैतान चाहता आपकी पावर वो बनी ना रहे, आप गलत लड़ाई में चले जाएं। जिस दिन आप अपनी प्रॉब्लम का आत्मिक हल ढूंढ लेंगे, आप गवाही के साथ यहां खड़े होंगे बहुत जल्दी। लाइफ क्या है, ये हमेशा समझना है, क्योंकि जब याकूब के मामा ने कहा, लाबान ने, केले भाई काली बकरियां और काली भेड़े और काले उनके हस्बैंड और जितने बच्चे वाइट पैदा होंगे वो तेरी तनख्वाह, सीधा सीधा लूट रहा था उसको वो, या ना, अगर वो लड़ता तो ये लड़ाई उसके घर पे इफेक्ट करती, क्योंकि उसकी पत्नियां लाबान की क्या थी, बेटियां थी। अब उसे मालूम था कि अगर मैं लड़ूंगा शारीरिक रीति से तो शैतान काम करेगा मेरे परिवार में और सब कुछ चौपट हो जाएगा। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और काली भेड़, काली बकरियां, चित्तेदार और वाइट बच्चे जन्मने लगी, क्योंकि लाइफ क्या है, स्पिरिचुअल है। उसने स्पिरिचुअल हल क्या ढूंढा कि उसने जब भेड़ बकरे को पानी पिलाता था वो, तो उसने छड़ियां छील के उनके सामने रख दी। अगर वो चित्तेदार बच्चे चाहता था, वो छड़ियां छील के चित्तेदार बना के उनके सामने रखता था। जब वो पानी पीने आती थी, उन छड़ियां जो छीली हुई होती थी उनको देख के गर्भवती होती थी, तो वैसे ही बच्चे जन्म देती थी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर वो लड़ता तो मरता, अगर वो शारीरिक रीति से अपना हल ढूंढने की कोशिश करता तो कभी ना पहुंच पाता, क्योंकि लाइफ क्या है, स्पिरिचुअल है। आपका हल भी क्या है, स्पिरिचुअल है, आमीन। परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोले, आमीन। छोटे चर्च, आपकी आईज ओपन करे, अगर आमीन ऊंचे चर्च, हालेलुया। जिंदगी क्या है, अपने पड़ोसी को बोलो, क्या है लाइफ, स्पिरिचुअल है। लाइफ क्या है, जिंदगी क्या है,
आत्मिक है। आमीन। आपको समझना है ये चीज कि दानियल ने जब प्रार्थना की तो एक स्वर्ग दूत प्रार्थना का उत्तर लेके नीचे आता है और रास्ते में शैतान का दूत उसको रोक के खड़ा होता है, क्योंकि लाइफ क्या है? स्पिरिचुअल। जिस दिन स्पिरिचुअल हल आप ढूंढ लेंगे बाइबल से, वचन से, आत्मा से, उस दिन आप यहां खड़े होंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, अपने लाइफ के बिगेस्ट टेस्टिमनी के साथ वापिस आ रहे हो आप। मैंने कहा अपनी लाइफ की बिगेस्ट, सबसे बड़ी गवाही के साथ वापिस आ रहे हो आप। आमीन। क्योंकि जिंदगी क्या है? आत्मिक है। क्या है जिंदगी? आत्मिक है। आमीन। कि जब एक व्यक्ति के ऊपर एक कर्ज काम कर रहा हो, शैतान उसके पीछे हो, तो उसका पैसा भी उसको वीजा नहीं दे सकता। उसका एफर्ट जो है वो फ्रूटफुल नहीं, जो वो कर रहा है वो फलदार नहीं, और उसे कारण समझ नहीं आता कि मैं इंटेलिजेंट हूं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन वो नहीं है जो लोगों के पास है। क्योंकि लाइफ क्या है? स्पिरिचुअल। और लाइफ आपको वो देती है जिसके लिए आप फाइट करते हो, जो आप डिजर्व करते हो आपको कभी नहीं मिलता। जो आप डिजर्व करते हो शैतान आपको लेने नहीं देता। आप बोलते हो नहीं, ये मेरा हिस्सा नहीं, ये मैं डिजर्व नहीं करता, मैं कुछ हाई डिजर्व करता हूं, लेकिन परमेश्वर आपको वही देता है जिसके लिए आप फाइट करते हो। जो आप डिजर्व करते हो आपको नहीं मिलेगा, जिसके लिए आप फाइट करोगे आपको मिलेगा। फाइट का आत्मा एंटर करे आपकी लाइफ के अंदर, फाइटिंग स्पिरिट एंटर करे आपकी लाइफ के अंदर। अगर आप मीनू चाहे चर्च, अपने पड़ोसी को बोलो आपको वही मिलते हैं जिसके लिए आप फाइट करते हैं। फाइट कर अपने परिवार के लिए, अपने लिए, और जीत यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची चर्च। हालेलुया। जैसे जैसे आत्मा की गर्मी बढ़ती जाएगी आपका, आप अच्छे और बड़े चुंबक बनते जाएंगे। किसी पे कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका गिरना या उठना सिर्फ आपके स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप कैसे समझते हैं बाइबल को और आत्मिक जिंदगी को, ये उस चीज पे डिपेंड करते हैं। आमीन। जब मैं लोगों से बात करता हूं, उनके पास फेलियर का कोई ना कोई कारण है। मेरे लोगों ने मुझे धोखा दे दिया और मेरी चर्च तोड़ दी। नो, कोई आपकी चर्च तोड़ नहीं सकता। लाख आए लाख जाए, आप ऐसे खड़े रहेंगे चट्टान की तरह। एक प्रतिशत आपको फर्क नहीं पड़ेगा। एक, मैं कह रहा हूं आधा प्रतिशत आपको फर्क नहीं पड़ता, मैं रियल कह रहा हूं। लेकिन आपको 100% फर्क पड़ता है अगर आप स्पिरिचुअल डाउन हो जाए तो। हालेलुया। फिर आप जो मर्जी बोलते रहे करते रहे, आपका फल नहीं आता। ये चर्च दुनिया के लिए वंडर बन चुकी कि क्या हो रहा है ये। जिस चर्च के पास चर्च बिल्डिंग तक नहीं, वो 1,00,000 क्रॉस कर गई। हमें मालूम नहीं था किन लोगों के पास चर्चे हैं, बिल्डिंग्स हैं, वहां लोग नहीं। और ये कौन सी चर्च है जहां छत नहीं है, बारिश में लोग खड़े, ठंड में बैठे, क्या हो रहा है ये? लाइफ क्या है? आत्मिक है। लाइफ क्या है? स्पिरिचुअल है। वो जिंदगी आत्मिक है। वो जब आप समझ जाते हैं इस चीज को, आपका हल होता है। आमीन। आपका हल होता है। फिर आप उस तरह से अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ के चैलेंजेस को देखोगे जिस तरह से परमेश्वर आपको दिखाना चाहते हैं। फिर आप बंदे का कसूर नहीं निकालोगे, आप अपने आप को जज करोगे, कहां मेरी प्रेयर कम है, कहां बाइबल कम है, कहां मैंने फाइट नहीं की। और आप उस हिस्से को सुधारते हो, फाइट करते हो। फिर आप लड़ते नहीं हो अपने पति अपनी पत्नी के साथ, आपको मालूम है कहां आपको फाइट करनी। आप घुटनों में फाइट करते हो। अगर आप घुटनों पर परमेश्वर के सामने बैठ सकते हो, दुनिया के सामने खड़े हो सकते हो। हाँ, खड़े हो सकते हो। जब पुलपट पे लोग आते हैं तो प्रार्थना करते हैं कितनी देर, पुलपट पे आने के बाद प्रार्थना करने का टाइम नहीं, अब काम करने का टाइम है। आमीन। ये प्रे करने का टाइम नहीं, प्रे करने का टाइम पीछे। जब रातों को आप बैठते हैं प्रार्थना करते हैं घुटनों के बाहर, आप बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, पुलपट पे आने के बाद आप प्रेयर नहीं करते, आप कमांड करते हो, शैतान जाते हैं। आप लेफ्ट बोलते हो लेफ्ट जाता है, राइट बोलते हो राइट जाता है, सामने बोलते हो सामने जाता है, क्योंकि लाइफ स्पिरिचुअल है। आमीन। आपको समझना है ये, दिमाग में डालना है ये, जिंदगी क्या है? आत्मिक है।
लाइफ क्या है? स्पिरिचुअल, वो नहीं है जो आप देख रहे हो इन आंखों से। यीशु मसीह के पास बंदे को लेके गए, परमेश्वर इस पे हाथ रखो, जैसे आप लोगों को चंगा करते हो ना इसको चंगा करो। यीशु मसीह कहा नहीं नहीं, ये वो केस नहीं, जा तेरे पाप माफ हुए। और जैसे पाप माफ हुए उसकी हीलिंग हुई। लाइफ क्या है? स्पिरिचुअल। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर, इस आत्मिक जिंदगी को जीने के लिए मैं तैयार हूं। मैं तैयार हूं आपकी आंखों के साथ देखने के लिए और चलने के लिए। अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए हिलाओ 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 अपने हाथों को।